बढ़वा की सीमा से लगे क्षेत्रों में अवैध रेत का उत्खनन करने का काम लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इन दिनों यह काम करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। अब अवैध रेत के भंडारण पर कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश के बाद से एक्शन मोड पर आए खनिज अधिकारी के अधिकारी भी क्षेत्र के औचक निरीक्षण कर रेत और गिट्टी का अवैध खनन करने और अवैध संग्रहण करने वालों पर कार्यवाही कर रहे हैं। सोमवार को राजस्व और खनिज विभाग की टीम ने बढ़वा सनावत में संयुक्त कार्रवाई करके अलग अलग स्थानों में अवैध बालू रेत का भंडारण जब्त किया है। वहीं SDM अनुकूल जैन भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही अवैध उत्खनन के स्थानों पर कार्यवाही करने के लिए पहुँच रहे हैं। वाहनों को जब्त करने के साथ ही विभिन्न स्थानों पर अवैध रेत के भंडारण को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कार्रवाई की गई, देखिए लगातार क्षेत्र में अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन पर कार्रवाई की जा रही थी, और विगत कुछ दिवस से शिकायत आ रही थी कि अवैध भंडारण भी कुछ जगह पर किया गया है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार संयुक्त रूप से खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग ने एक कार्रवाई आज की है, जिसमें दोनों तहसील हमारी बढ़वा और सनावत दोनों में हमने कार्रवाई की है, और अभी कार्रवाई निरंतर जारी है। मैं खुद भी अभी स्पॉट पर जा रहा हूँ। सर, आज कहाँ-कहाँ कार्रवाई की गई? देखिए बढ़वा में लगभग 3 से 4 स्थानों पर और सनावत में अभी 6 से 7 स्थानों पर कार्रवाई जारी है, और बहुत बड़ी मात्रा में हमने अवैध भंडारण पकड़ा है। अभी मैं एक स्पॉट से आ रहा हूँ जहाँ पर लगभग 15 से 20 डंपर माल जो है वहाँ पर अवैध रूप से पड़ा हुआ था, और ये कार्रवाई निरंतर अभी जारी है। तो मैं अभी आपको मात्रा और कितनी लागत, कितनी कीमत की वो अवैध रेत होगी वो मैं बाद में बता पाऊँगा, क्योंकि समय की पूरी कार्रवाई हो जाए, पूरा डाटा हमारे पास आ जाए, कितने हमने यहाँ पर प्रकरण बनाए हैं, कितना हमारे पास रेत का स्टॉक हमने पकड़ा है, और कितनी इसकी बाजार मूल्य और कितना इस पर दंड होगा, ये सभी की जानकारी मैं कार्रवाई के बाद आपको दे पाऊँ। सर, ये कार्रवाई में कौन कौन अधिकारी थे? कार्रवाई में पूरा राजस्व का अमला था हमारा, लगभग 10 से 12 टीमें हमने बनाई थी, जो कि विभिन्न वाहनों से कुछ 2-व्हीलर पे कुछ 4-व्हीलर पे थे। खनिज का पूरा अमला था, खनिज अधिकारी यहाँ पर थे, उनकी खनिज इंस्पेक्टर भी यहाँ पर थी, और इसमें हमने जो अवैध भंडारण पकड़े हैं उन्हें हम जब्त कर रहे हैं, एक व्यवस्थित जगह पर उनका भंडारण कर रहे हैं, और माननीय कलेक्टर महोदय को प्रकरण भेजेंगे, जिसमें नियमानुसार राजसात या जो भी नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाना होगी वो जिले से होगी। ने मतलब कभी कुछ दिनों से हमारे पास कुछ बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि सनावत बढ़वा में अवैध स्टॉक वो बहुत ज़्यादा है, तो इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाके हमने एक राजस्व और खनिज की टीम बनाई। उसके साथ आज सुबह से हम लोग ने बढ़वा और सनावत में कम से कम 7-8 जगह हमने कुछ स्टॉक जब्त किए हैं, और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। और अभी हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जो भी हमारे जब्त स्टॉक है इनको हम लोग एक जगह पे व्यवस्थित मतलब कि शासकीय ज़मीन पे उसको इकट्ठा करके कर देते हैं, उसके बाद फिर आगामी जो भी कार्रवाई होगी कलेक्टर महोदय के निर्देशों में उसको आगे किया जाएगा। और ये कार्रवाई अभी और अभी बढ़वा में भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, और सतत चलती रहेगी। इसमें क्या प्रावधान रहता है निर्माण के लिए, रेत रखने के लिए? अगर कोई निजी निर्माण के लिए अगर कोई यूज़ करता तो 20 घन मीटर तक वो उसको किसी भी स्टॉक की परमिशन की जरूरत नहीं रहती है। अगर वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह बना रहा तो 50 घन मीटर तक रख सकता है। अगर उससे ज़्यादा रखना तो उसको विभाग से विधिवत उसको परमिशन लेना होती है। और ये तो हमने जितने भी स्टॉक पकड़े ये लोग तो हम लोगों के पास काफ़ी समय से कंप्लेंट भी है और कुछ एविडेंस भी है कि ये लोग रेत मतलब कि बाहर से रेत लेके आते हैं और स्टॉक करके और ये गलत तरीके से बेच रहे हैं। ये इस प्रकार से अवैध जो इनका जो धंधा चल रहा है इसको हमने पूरी तरह से रोकने का हमने प्रयास किया है, और ये आगे भी जारी रहेगा। कितने डंपर माल होगा सर? अभी जो आप जो स्टॉक देख रहे हैं यहाँ से हमने 7-8 डंपर उठा लिए हैं, और अभी 7-8 डंपर और है, और यहाँ से उठने के बाद फिर अगले और स्टॉक पे जाके करेंगे हम लोग कम। तो सर लागत कितनी होगी लगभग इसकी? खैर ये तो अब सभी डंपरों मतलब बाजार मूल्य के हिसाब से, अब बाजार मूल्य के हिसाब से तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सब पहले इनका आकलन करना जरूरी है। अभी जैसे 7 डंपर गए हैं क्योंकि पानी की वजह से रेत दब गए, इसलिए प्रॉपर आकलन नहीं हुआ है उसको। जब सारी करोड़ों से ऊपर होगी, अब बाजार मूल्य का तो कह नहीं सकते, पर देखिए जब हम पूरी तरीके से उसका कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि उसकी मतलब कि रॉयल्टी क्या रेट क्या है, बाजार मूल्य क्या है, उसके बाद ही बता पाएंगे हम लोग। सर, सनावत बढ़वा में स्टॉक के लिए अभी तक किसी ने अनुमति ली है या नहीं? नहीं, अभी हमारे यहाँ से मतलब खरगोन से किसी को परमिशन सनावत बढ़वा के लिए नहीं दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।